हाय दोस्तों, आपका शिवांग सिंह VVS चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लघु किसान क्या होते हैं, सीमांत किसान क्या होते हैं और बृहद किसान क्या होते हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे सिंचित क्षेत्र क्या होते हैं और असिंचित क्षेत्र क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं लघु किसान, बृहद किसान और सीमांत किसान के बारे में। सबसे पहले बात करें सीमांत किसान की, तो ये वे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, अर्थात 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है, उन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं। और अगर बात करें लघु किसान की, तो ये वो किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक परंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उन्हें हम लघु किसान कहते हैं, अर्थात 5 एकड़ तक या उससे कम भूमि हो उसे हम लघु किसान कहते हैं। और अगर बात करें बृहद किसान की, तो ये वे किसान होते हैं जिनके पास 2 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो, उन्हें हम बृहद किसान कहते हैं। जिनकी ये तो हो गई किसान की बात, लेकिन अगर बात करें सिंचित और असिंचित क्षेत्र की, सिंचित क्षेत्र की, तो जहाँ कृषि की सिंचाई ट्यूबवेल, पोखरा, तालाब, कुआं के माध्यम से होता है, उसे हम सिंचित क्षेत्र कहते हैं। और अगर बात करें असिंचित क्षेत्र की, तो असिंचित क्षेत्र में जो कृषि होती है वो पूर्णतः बारिश पर निर्भर होती है, वहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं होते, पूर्णतः कृषि बरसात पर निर्भर रहती है, तो इसे हम असिंचित क्षेत्र कहते हैं। ये जानकारी भले ही छोटी है, लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करूंगा ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही।